तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे दो संख्याएं ले लेते हैं। सबसे पहले हमको सबसे सिंपल संख्याएं लेनी है, यानी आपका बच्चा अगर LKG UKG या फर्स्ट में है तो इसके लिए आपको छोटे छोटे संख्याओं से उसको ऐड करना सिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 और 3। बीच में जो साइन आपको दिख रहा है, बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये साइन प्लस का है, क्योंकि अगर बच्चा आपको छोटा है तो हर साइन छोटी छोटी चीज़ों को उनको बताना पड़ेगा। एडिशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको जोड़ गिनती सीखना ज़रूरी होगा, यानी गिनना बच्चे को सिखाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे 4 है तो हम लाइन मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं लाइन, 1 2 3 4। बीच में प्लस की जगह पे हम या तो प्लस ले सकते हैं या तो जीरो कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। सारी लाइन को एक साथ करके काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सारी लाइन काउंटिंग के बाद यहाँ पे 7 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें एक संख्या ले ले रहे हैं हम, यहाँ पे 2 प्लस 8। इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको 2 लाइन खींचना पड़ेगा, 1 2, और बीच में वही जीरो का चिन्ह लगाएंगे, जीरो लिखेंगे, और नीचे 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको ऊपर से नीचे तक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी बच्चों को बताएं तो यहाँ पे जीरो नहीं गिनना है साथ में। अगर जीरो गिनेंगे तो संख्याएं ज़्यादा आ सकती हैं, यानी जोड़ हमारा गलत हो सकता है। तो इस तरीके से लाइन की विधि के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ना बड़े आसानी से सिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे दो संख्याएं ले लेते हैं। सबसे पहले हमको सबसे सिंपल संख्याएं लेनी है, यानी आपका बच्चा अगर LKG UKG या फर्स्ट में है तो इसके लिए आपको छोटे छोटे संख्याओं से उसको ऐड करना सिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 और 3। बीच में जो साइन आपको दिख रहा है, बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये साइन प्लस का है, क्योंकि अगर बच्चा आपको छोटा है तो हर साइन छोटी छोटी चीज़ों को उनको बताना पड़ेगा। एडिशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको जोड़ गिनती सीखना ज़रूरी होगा, यानी गिनना बच्चे को सिखाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे 4 है तो हम लाइन मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं लाइन, 1 2 3 4। बीच में प्लस की जगह पे हम या तो प्लस ले सकते हैं या तो जीरो कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। सारी लाइन को एक साथ करके काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सारी लाइन काउंटिंग के बाद यहाँ पे 7 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें एक संख्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे 2 प्लस 8। इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको 2 लाइन खींचना पड़ेगा, 1 2, और बीच में वही जीरो का चिन्ह लगाएंगे, जीरो लिखेंगे, और नीचे 8 है तो 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको ऊपर से नीचे तक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी बच्चों को बताएं तो यहाँ पे जीरो नहीं गिनना है साथ में। अगर जीरो गिनेंगे तो संख्याएं ज़्यादा आ सकती हैं, यानी जोड़ हमारा गलत हो सकता है। तो इस तरीके से लाइन की विधि के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ना बड़े आसानी से सिखा सकते हैं।